इंडियन हिस्ट्री इतनी ज्यादा रिच है ना कि आप ऐसे कहते हैं ना चद्दर झाड़ोगे और 200-300 कहानियां तो ऐसे गिर जाएंगी। बट पता नहीं क्यों उस चीज के ऊपर ज्यादा मूवीज बनाई नहीं जाती हैं, उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। हमें सुपरमैन पता है, हमें बैटमैन पता है, हमें स्पाइडरमैन पता है, पर हमें अपने जो देश के इतने सारे हीरो हैं, चाहे वो आजादी की लड़ाई के हीरो हो, चाहे वो हमारे पुरानों के हीरो हो, चाहे वेदों के हीरो हो, चाहे इतने धर्म हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर हर एक धर्म की इज्जत और रिस्पेक्ट की जाती है, और हर एक धर्म की हर एक जो कहानी है, जो भी किसी भी धर्म है, उसको सराहा जाता है, अच्छे से देखा जाता है, अच्छे से बताया जाता है। और उन धर्मों के अंदर इतने सारे हीरो हैं कि वही बात फिर से कि चद्दर झाड़ेंगे और 200-300 हीरो तो ऐसे निकल आएंगे। बट पता नहीं क्यों हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे राइटर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को उन चीजों के ऊपर फोकस करना ही नहीं है। हमें कहानी चाहिए जो ऑलरेडी कहीं लिखी हो, चली हो, बस उसी पे सेफ हम खेलते जाए। पर अब वो टाइम बदल रहा है, चाहे वो तेलुगु इंडस्ट्री हो, चाहे मलयालम इंडस्ट्री हो, वो ये सब कहानियों को अब तवज्जो देना शुरू कर चुकी हैं। इसका एक सेट एग्जांपल है हनुमान मूवी, जिससे किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी पर उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बड़ी बड़ी पिक्चरों को मात दे दी। और भाई क्या ही एक्टिंग की थी तेजा सजा ने, मजा आ गया भाई वो मूवी देख के। अगेन दिस यंग स्टार इज कमिंग अप विद अनदर मूवी जिसका नाम है मिराई। एक ऐसे सब्जेक्ट पे मूवी लेके आ रहे हैं ना जो था तो बहुत टाइम से हमारी आंखों के सामने था, बट अगेन इग्नोरेंस। अब जो लोग बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं वो इस बारे में जानते होंगे, आई एम डैम श्योर, बट शायद हर किसी को नहीं पता होगा दैट अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसके अंदर दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी करके 9 बुक्स बनाई गई थी। और उसमें कहा जाता है कि ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि एक नॉर्मल इंसान को सुपर हीरो बना सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं जिसमें इस चीज के ऊपर ब्रीफली बताया गया है। बट अब इसको एक मेन स्क्रीन पे लेके आना, थिएटर पे लेके आना और वाइड स्प्रेड ऑडियंस को इस चीज के बारे में बताना इज अ ब्रेव ब्रेव स्टेप, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी बिकॉज दिस मैन द मैन जो हनुमान में जो मेन हीरो थे तेजा, इन्होंने पहले भी कमाल करके दिखाया और फिर से आई एम डैम श्योर ये कमाल करेंगे। क्योंकि कहानी ऐसी है ना भाई, जब आपको आपके रूट्स के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी दुनिया में है पहले इंडिया में डिस्कवर हो चुका है, बस ये है कि इग्नोरेंस है और कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे वो चीजें निकल के आ रही हैं और ये मूवी भी सुपर्ब होने वाली है। आप टीजर देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, लोकेशन हो, मार्शल आर्ट का कितना यूज किया गया बिकॉज अशोका वॉज सो मच इन टू मार्शल आर्ट, और मार्शल आर्ट भी इंडिया से ही उत्पन्न हो गया, चाइना में गया एंड देन वहां फ्लरिश किया, वो चीज वापस आ रही है। और जिस हिसाब से एक्शन दिखाया गया, ओ भाई हर एक चीज कमाल लग रही है। आई वुड रेकमेंड कि आप जाइए एक बार टीजर जरूर देख के। ये ऐसी मूवीज है ना जो एक्चुअल में इंडिया में बननी चाहिए पर बनती नहीं है, और अगर ये सिनेमा ग्रो कर गया ना तो हॉलीवुड और मार्वल ना हम ऐसे ऐसे करके फेंक देंगे, क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल और छोटे लेवल पे, एंड दिस इज एक्चुअली जो इंडिया में हुआ है, दीज आर फैक्ट्स जिसको बस हम इग्नोर करते आ रहे हैं इतने टाइम से। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट तेजा सजा ऐसे सब्जेक्ट उठा रहे हैं, और उन्होंने पहले ही कहा है कि वो हनुमान सीरीज को भी आगे लेके जाएंगे, एंड नाउ दिस अशोका की 9 सीक्रेट बुक सोसाइटी वाली। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, जाके देखो, इतने बढ़िया VFX, इतनी बढ़िया लोकेशन, इतने बढ़िया फाइट सीक्वेंस, 1 मिनट 23 सेकंड में ही अगर आप इंप्रेस ना हुए मेरा नाम बदल देना, बाकी कमेंट में बताना देख के आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।